My dear student of standard 6, welcome back once again, and today we are going to discuss question answer of chapter number 6. Okay, so name of the chapter: Mauryan Age, Chandragupta and Emperor Ashoka. Ashok bhi keh sakte hain hum isko, theek hai? Chaliye, to sabse pehle hum log MCQ dekh lete hain. So number 1, in an Chandragupta achievement, which of his mentor played an important role in guiding him? Okay, so four options are available with you. So the correct answer is Guru Chanakya. Okay, Chandragupta jo Maurya the, inko kisne matlab guidance diya? To hum logon ne apne chapter mein dekha tha ki Chanakya, jinko hum Kautilya kehte hain, and jinka naam Vishnu Gupta hai, theek hai? Yehi inhone hi matlab sara guidance provide kiya tha. एंड इन्होंने ही एक तरह से इनको राजा भी बनाया. सेकेंड MCQ, विच ऑफ द टेक्स्ट रिटन बाई चाणक्य प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ दैट टाइम. तो चाणक्य द्वारा वो कौन सी किताब है जिससे हमको उस टाइम के सोसाइटी में क्या होता था, उस टाइम के पॉलिटिक्स कैसी थी, उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, वो हमको कौन सी बुक से पता चलेगा? वेल, योर आंसर इज ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र को हिंदी में स्टैटिस्टिक भी कहते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 3, बिंदुसरा जो अशोक के फादर हैं, अपॉइंटेड अशोका एज द गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस? ओके, तो मैंने आपको कहा था ना लास्ट सेशन में कि राजा क्या करता है, अपने बेटों को अलग अलग गवर्नर बनाता है, और जो अच्छे से मैनेज करता है उसको ही युवराज डिक्लेयर करते हैं. सो अशोक वो कहाँ के गवर्नर थे? अवंती. ओके, अवंती एक स्टेट का नाम है उनके टाइम पे. मैप में आप लोग देखना कहाँ पर है. नाउ पॉइंट नंबर MCQ नंबर 4, वेयर डिड अशोका सेंड संगामित्रा फॉर प्रोपगेशन ऑफ द बुद्धिज्म? अब आप पूछोगे सर ये संगामित्रा कौन है? वेल, ये अशोक की डॉटर है. ओके, सन का नाम याद है? महेंद्र है. ओके, सो उनको कहाँ भेजा था? साइलोन, मीन्स श्रीलंका में. ओके, नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ अशोका रिटर्न? तो अशोका ने कौन सी लैंग्वेज में अपनी मतलब स्क्रिप्चर्स लिखवाए थे? प्रकृत लैंग्वेज में लिखवाए थे. ओके, नाउ नंबर 6, विच ग्रीक एम्बेसडर केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता? चंद्रगुप्ता के दरबार में ग्रीस से कौन से एम्बेसडर आए थे? वेल, आंसर इज ऑप्शन सी, मेगेस्थेन. ओके, मेगेस्थेन आए थे, एंड इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो हम लोग आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर में देख ही लेंगे. नंबर 7, विच लेक वॉज बिल्ट बाय द पुष्यगुप्ता इन गिरिनार? गिरिनगर, गिरिनगर मीन्स गिरनार की बात कर रहे हैं बेसिकली. तो पुष्यगुप्ता कौन थे? पुष्यगुप्ता एक गवर्नर थे जो पूरा सौराष्ट्र एरिया देख रहे थे, एंड इन्होंने कौन सा लेक बनवाया? सुदर्शन लेक, जिनको हम लोग गुजराती में सुदर्शन तालाब भी कहते हैं. तालाब मीन्स लेक. ओके, रिमेंबर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 7, हु रोट द धर्म मुद्र राक्षस? तो ये जो मुद्र राक्षस है ये किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने. ओके, नंबर 9 पे चलते हैं. हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रक रोड इन द सेकेंड टाइम? तो दूसरी बार में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई? वेल, योर आंसर इज शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी हम लोग स्टैंडर्ड 7th में पढ़ेंगे ये कौन थे. ओके, नंबर 9 ऑलरेडी वी डन. नाउ नंबर 10, ऑन हुज प्रेजिडेंशियल पोस्ट डिड अशोका कन्वेंस द थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? सो उन्होंने कहाँ पे ये थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई थी? वेल, योर आंसर इज मोगलीपुत्र त्रिशा में. ठीक है, ये एक जगह का नाम है जहाँ पे उन्होंने सारे धर्मों में शांति बनी रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, तभी उन्होंने बनवाया था. चलिए अब हम लोग फिलअप्स डिस्कस कर लेते हैं. वेल, द ह्यूज पिलर ऑफ सारनाथ वॉज बिल्ट बाई एम्परर. हमारे चैप्टर के एम्परर कौन है? अशोक. ओके, अशोका. चंद्रगुप्ता डिफीटेड द लास्ट एम्परर धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी एंड टूक ओवर द थ्रोन ऑफ मगध. तो चंद्रगुप्ता ने किस राजा को हराया था? वेल, नंद डायनेस्टी से उन्होंने धनानंद को हराया था. ओके, सो धनानंद आपको नाम याद रखना है, और थोड़ा सा बहुत सारे an आते रहेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. चलिए पॉइंट ब्लैंक में नंबर 3 में चलते हैं. डैश कंस्ट्रक्टर सुदर्शन लेक इन सौराष्ट्र.
सो पुष्य गुप्ता नंबर फोर. ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्र मेगेस्थेन रोट अ बुक नेम्ड इंडिका. ओके, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मेगेस्थेन ने कौन सी बुक लिखी थी, वो तो हम लोग आगे देख ही लेंगे. पहले उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था इंडिका. आजकल तो ऐसे नाम की कारें घूमती हैं इंडिया की रोडों पे. एनी हाउ चलो नंबर सिक्स. मे बी ऐसा हो कि कार बनाने वालों ने शायद यही नाम सोच के लिया हो. एनी हाउ इंडिया हैज़ रिकग्नाइज सारनाथ पिलर एज द नेशनल सिंबल. तो पिलर की बात आए तो आपको सारनाथ याद रखना है, ठीक है. एंड सारनाथ का पिलर ही हमने एज ए नेशनल सिंबल रखा है. चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ ब्लैंक में. डैश इस्टेब्लिश द चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया. सो मौर्यन एम्पायर आएगा, ठीक है. नंबर सेवन. एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रक रोड इज नोन एज द नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता. तो आपको इतना याद रखना है दिल्ली टू कोलकाता. एंड कोलकाता की स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वरना मैं मार्क काट लूँगा. नंबर एट. आचार्य विष्णुगुप्ता ये कौन है. इज नोन एज द चाणक्य, है ना. आचार्य विष्णुगुप्ता ही चाणक्य थे एंड इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है. अगर आप एग्जाम में चाणक्य की जगह कौटिल्य भी रखोगे तो मैं रॉन्ग नहीं करूँगा, है ना. पर कौटिल्य की स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो फिर मेरा रेड पेन तैयार है पूरा स्ट्राइक करने के लिए. एनी हाउ चाणक्य की स्पेलिंग थोड़ी ईजी है तो ये याद कर लेना. पॉइंट नंबर नाइन. स्क्रिप्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी लैंग्वेज, ठीक है. तो ब्राह्मी लैंग्वेज में उन्होंने सारी स्क्रिप्ट लिखवाई गई है. अशोका ग्रांटेड रॉयल्टी टू बुद्धिस्ट रिलीजन. सो कौन से धर्म के प्रति ज़्यादा मतलब फोकस थे, बुद्ध रिलीजन के प्रति, ठीक है. अब हम ट्रू और फॉल्स बात करेंगे. ट्रू और फॉल्स स्ट्रेट अवे मैंने टेक्स्ट बुक में से ही लिए हैं. वेल इंडिया वॉज रिटन बाय मेगेस्थेन एंड मुद्र राक्षस रिटन बाय द कल्हन. क्या हमको बेवकूफ बना रहे हैं. नहीं अभी हमने देखा मेगेस्थेन ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका, और ये कह रहे हैं इंडिया नाम की बुक लिखी थी. गलत है, फॉल्स आएगा. ओके. द टास्क ऑफ धम्मा महात्मा वॉज प्रोपगेटेड बाय द जैनिज्म एंड रेज द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. एक सेकेंड, हमने पूरे चैप्टर में बुद्ध रिलीजन के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पे ये लोग जैन के बीच में लगा रहे हैं तो ये फॉल्स हो गया. ओके. नंबर थ्री. चंद्रगुप्ता हैज स्पेंट हिज लास्ट डे इन द सर्वन बेलगुड़ा. सो ये ट्रू स्टेटमेंट है. अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किए थे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसरा मगध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर. ना ना ना, फॉल्स है. उन्होंने मतलब एम्पायर को ज़्यादा स्प्रेड तो नहीं किया पर हाँ उन्होंने बिखरने भी नहीं दिया. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नंबर फाइव. अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म फॉलोइंग टीचिंग ऑफ उपागुप्ता. सो उपागुप्ता के कहने पर ही उन्होंने बुद्ध रिलीजन अडॉप्ट किया एंड बुद्ध रिलीजन स्प्रेड भी किया. सो ये ट्रू स्टेटमेंट बनता है. अब हम बात करेंगे मैच द फॉलोइंग की, ठीक है. विशाखा दत्ता ज़्यादा इस तरफ चला गया है. एनी हाउ अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चाणक्य ने. मुद्र राक्षस किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने. इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थेन ने. एंड देववंश और महावंश किसने लिखा है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है. सो बेसिकली किसने कौन सी टेक्स्ट लिखी हुई ये हमारा बेसिकली मैचिंग है. चलिए अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं जिसमें जो फर्स्ट फोर हैं वो टेक्स्ट बुक में से लिए गए हैं. एंड देन सो हाउ फार वॉज अशोका वास्ट एम्पायर स्प्रेड. अशोक का जो एम्पायर था वो कितना स्प्रेड था. द वास्ट एम्पायर ऑफ अशोक वॉज स्प्रेड एट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर फ्रॉम कंधार टू पेशावर इन द नॉर्थ टू नेपाल एंड साउथ टू मैसूर गुजरात सौराष्ट्र इन द वेस्ट टू कलिंगा इन द ईस्ट. कलिंग ईस्ट से लेके गुजरात के सौराष्ट्र वेस्ट तक ऊपर कंधार जो अभी अफगानिस्तान में से लेके नीचे मैसूर तक यानी पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनके अंडर में था. ओके. एंड नाउ नंबर टू. वॉट वेर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द अशोक. आई थिंक अभी अशोक की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है. लास्ट में ए आना चाहिए के बाद. अशोक्स वॉर विद सेलेस्कस. तो सेलेस्कस के वॉर के सीक्वेंस आपको बताने. इन आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द सेलेस्कस चंद्रगुप्ता कॉन्कर्ड
14 territories. Four territories, being inspired by the bravery of Chandragupta, Seleucus Nicator married his daughter Helena with him. Seleucus sent his ambassador to the court of Chandragupta, and thus after the war with the Seleucus, diplomatic relation developed with Indian and Greeks. I think यहाँ पे अशोक की जगह ना चंद्रगुप्त आना चाहिए. मैंने या तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर मैंने गलत टाइप किया है, दो में से कोई एक चीज़ हो सकती है. बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कंसिडर करना है, वॉट वेर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ चंद्रगुप्ता's वॉर विद सेलेस्कस. जैसे सेलेस्कस का चंद्रगुप्ता की लड़ाई होती है, चंद्रगुप्ता की बहादुरी देख के सेलेस्कस बहुत इंस्पायर होता है, एंड वो अपनी डॉटर जिनका नाम हेलेना था उनकी चंद्रगुप्ता के साथ शादी कर देता है. ओके, सो क्वेश्चन में मिस्टेक है. जो लोगों ने वीडियो देखा होगा वो पीडीएफ में समझ जाएंगे, वो अशोक की जगह चंद्रगुप्ता लिखेंगे. और जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मुझे पता चल जाएगा कौन से बच्चों ने वीडियो देखे हैं और कौन से बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं. बहुत जल्द आपकी CW मंगाई जाएगी स्कूल में, आपको नोटिस तो मिल ही गया होगा. एनी हाउ, नंबर 3, इन हाउ मैनी डिवीजन वॉज मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव एस. तो मौर्यन एम्पायर कितने मतलब डिविजन्स किए गए थे, तो अगर आपको लास्ट सेशन याद रहा होगा तो मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड इंटू 3 डिविजन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव. यहाँ पे पहले सेंट्रल लेवल, सेकेंड प्रोविंस लेवल और थर्ड लोकल लेवल आता है. ओके, तो वो हमको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे डिविजन्स के नंबर पूछे गए, तो हमको 3 डिविजन्स ही बताने हैं. नंबर 4, अशोका एम्फसाइज ऑन द प्रोपगेशन ऑफ विच गौतम बुद्ध प्रिंसिपल. तो गौतम बुद्ध के वो कौन से प्रिंसिपल है जो अशोका अपनी स्पीच में कहा करते थे. अशोका एम्फसाइज ऑन द प्रोपगेशन ऑफ गौतम बुद्ध प्रिंसिपल लाइक लव, काइंडनेस, कंपैशन, नॉन वायलेंस, वर्चू और एक्सेट्रा. तो ये सारे जो गुण हैं वो अपनी स्पीच में कहा करते थे. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच बेसिक इन्फॉर्मेशन इज फाउंड फ्रॉम इंडिका द बुक रिटन बाय मेगास्थेन. तो मेगास्थेन ने जो बुक लिखी थी इंडिका में उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. द इम्पोर्टेंट एंड द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंड इन द इंडिका द बुक रिटन बाय द मेगास्थेन. तो मेगास्थेन द्वारा जो बुक लिखी गई थी इंडिका, उसमें मगध के किंगडम के बारे में, मगध के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया था. ओके, चलिए, देर आर टू ब्रीफ क्वेश्चन आंसर डेट वी आर सपोज टू डिस्कस, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस गिव रीजन, एंड देर आर टू शॉर्ट नोट ऑल्सो. सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द फर्स्ट. एंड ये आपका मैंने टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिया हुआ है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैंने रेफरेंस बुक से लिए गए हैं. स्टेट द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर. मान लो कि आप अशोक महाराज अशोक ने आपको याद किया है. ओके, आइए मिस्टर राहुल, आइए आज से हम आपको गवर्नर बनाते हैं सो एंड सो स्टेट का. तो आप गवर्नर तो बन गए, लेकिन गवर्नर बन के आपको काम क्या करना है. ओके, सो ये उस आंसर में बताया गया है कि अगर आप महाराज अशोक के टाइम पे होते हैं गवर्नर, तो आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं. सो लेट्स सी, स्टेट द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर. द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज ए गवर्नर वेर एज फॉलो. तो आपका पहला काम क्या होता, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट द प्रोविंसेस. आपको आपके पूरे राज्य में शांति बनाए रखनी है, लोग आपस में डुसुम ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है. मतलब कहीं पे भी दंगे फसाद, कम्युनल राइट्स नहीं होने चाहिए, लोग शांति से रहें. तो पहला काम आपको समझ में आ गया. सेकेंड, टू कलेक्ट रेवेन्यू, है ना, उन पे टैक्स लगाओ और टैक्स लो और महाराज को आगे फॉरवर्ड करो, है ना. तो आपको टैक्स कलेक्ट करने का भी एक रेवेन्यू कलेक्ट करने की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. थर्ड, टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग. किंग कौन है, अशोक है, और वो आपको जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं. ये तो बहुत सिंपल है. चलिए पॉइंट नंबर 4 जो लास्ट है, टू कीप द एम्परर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस इन द प्रोविंसेस. आपके राज्य में, आपके प्रोविंस में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही हैं उसका आप टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करते रहोगे. ठीक है, से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम टीचरों को रिपोर्टिंग करते हैं, है ना, सर ने ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर पढ़ा दिए,
तो उसका CW चेक करवाओगे तो मतलब रिपोर्टिंग हो गया, ठीक है। हमने कितना सिलेबस पूरा किया ये हम रिपोर्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल को, ओके इतना सिलेबस हो गया, इतना सिलेबस बाकी है, हमने इतनी CW चेक कर दी है, इतनी CW बाकी है, ओके दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग। चलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आजकल में, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाउ डिड द मौर्यन डायनेस्टी फॉल। हाँ तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर जो बहुत ही स्ट्रांग एम्पायर था वो ख़त्म कैसे हो गया, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, एट वन टाइम द मौर्यन एम्पायर वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मौर्यन एम्पायर स्प्रेड था, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ओके। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म द किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी रूल्ड फॉर 137 ईयर्स। तो जो बुद्ध रिलीजन के और जो जैन रिलीजन के जो हमको जो उल्लेख मिलता है उसमें ऐसा कहा गया है कि 137 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया, एग्री। पॉइंट नंबर 3, द रूलर आफ्टर अशोका वेर नॉट पावरफुल। तो जो अशोक के बाद जो राजा बने वो इतने पावरफुल राजा नहीं थे। द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वॉर बिहार रत्न, बिहार रत्न, ओके बिहार रत्न हैड नो होल्ड ऑन द पीपल एंड आर्मी। सो उनका जो लास्ट एम्परर थे उनकी कोई पब्लिक पे इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी और वो इतने स्ट्रांग भी नहीं थे, उतनी आर्मी पे भी उनकी अच्छी कोई कमांड नहीं थी। द लास्ट किंग ऑफ द मौर्य, ओके तो हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, बाई टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द इम्प्रोवाइज रूल हिज ओन जनरल पुष्यमित्रा सुंगा समंड हिम टू सी द मिलिट्री ड्रिल्स एंड किल्ड हिम। तो इसी उन कमजोरी का फायदा उठा के उनके जो सेनापति थे उनके या एक जो कोई मिनिस्टर होंगे पुष्यमित्र संघ, उन्होंने राजा को बहला के फुसला के मिलिट्री की ड्रिल दिखाने के बहाने उनकी हत्या कर दी, ओके। एंड दस द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी केम टू एन एंड। इस तरह से उनका दी एंड होता है इन 185 BC, ओके 185 BC द संघ डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया, ओके। सो इस तरह से ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश करती है। चलिए अब हम लोग एक ही गिव रीज़न है और बहुत काम का गिव रीज़न है और बहुत ही सुपर्ब और मेरा फेवरेट गिव रीज़न है। गिव रीज़न क्या कहता है कि एम्परर अशोक कॉल्ड अ ग्रेट किंग इन हिस्ट्री। इतिहास के सारे राजा उठा लो लेकिन जो एम्परर अशोक है वो सबसे महान है, है ना। तो बेसिकली ये फिर क्यों मेरा फेवरेट है अब तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। सो आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताने हैं कि अशोक जो राजा थे वो क्यों महान थे, पर अब ये थोड़ा बड़ा आंसर हो जाएगा लेकिन आप लोग किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते, ओके। सो पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, एम्परर अशोक एक्सपांडेड हिज किंगडम बाय वेजिंग वॉर। एक जो राजा होता है उसको बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, तो ये गुण उनमें थे पहले से और उन्होंने अपना किंगडम स्प्रेड किया बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ के। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 आपका क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2, ही बिल्ट अ ग्रेट एम्पायर। उन्होंने अपने जो किंगडम था, नो डाउट उनके दादाजी ने या उनके फादर से उनको जो किंगडम मिला था उसको उन्होंने पूरा स्प्रेड कर दिया, ठीक है। एक फादर के लिए गर्व की बात क्या होती है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा तरक्की करे, ओके। सो उन्होंने भी ये चीज़ प्रूव करके दिखाई, तो भाई अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, ही इन्वेटेड कलिंग टू फुलफिल हिज एम्बिशन टू कॉन्कर द कलिंग एंड ही वॉज अ विक्टोरियस। सिर्फ उनके पास एक ही किंगडम बचा था कलिंग और उसको भी उन्होंने जीता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट सीइंग द ब्लडी मैसेकेयर ऑन द बैटल फील्ड ही सफर्ड अ लॉट एंड रिग्रेट एंड रिमोर्स। जब लड़ाई लड़ने के बाद वो जब बैटल फील्ड पे गए ना, युद्ध के मैदान पर गए, तो उन्होंने लाशों के ढेर देखे, खून से लथपथ जो लाल जमीन थी वो देख के उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 भी यही कह रहा है, हिज हार्ट वॉज चेंज। ऐसा नहीं है कोई डॉक्टर आया था उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, ऐसा नहीं है, बट उनको ये देख के बहुत दुख हुआ, ओके। यहाँ पे हार्ट चेंज का मतलब है उनको अंदर से बहुत बुरा लगा, है ना, ना कि कोई हार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ था। ही डिसाइडेड नेवर टू फाइट एंड बैटल इन फ्यूचर। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं फ्यूचर में कभी भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। एंड मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब वो लड़ेंगे किससे, सब कुछ तो उन्होंने जीत लिया है, है ना। तो फिर उन्होंने लड़ाई को गिव अप ही कर दिया। तो मतलब एक राजा ऐसा राजा होना चाहिए जो सबको हरा दे, एंड उन्होंने हराया भी, ओके। नंबर 7, ही बिकेम द प्रीचर ऑफ द रिलीजन।
एंड बाद में वो एक भिक्षु की तरह रहने लग गए, एक धर्म का प्रचार करने लगे। उनके बाद उन्होंने फिर एक बार तलवार छोड़ दी, तो उन्होंने कभी भी कोई फ्यूचर में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक है, ऐसा तो कोई आज तक हमने हिस्ट्री में कोई किंग देखा ही नहीं है कि लड़ाई लड़के बोलता है कि भाई बस अब मैं नहीं लड़ूंगा। ओके, सो ये ही इनकी मतलब महानता की निशानियां हैं। पॉइंट नंबर 8, देर वॉज नो अदर किंग इन द वर्ल्ड लाइक अशोका हु ले डाउन द आर्म फॉर एवर आफ्टर हिज विक्ट्री एंड फॉलोइंग द बुद्ध वैश्यू। ऐसा इतिहास में आपको कोई राजा नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी लड़ाई को गिव अप कर दिया हो और बाद में एक बुद्ध रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया हो। दस एम्परर अशोका इज अ कॉल्ड अ ग्रेट किंग इन हिस्ट्री। चलिए फटाफट दो शॉर्ट नोट भी फिनिश कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर दी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट में मैंने थोड़ा सा अटपटा सा टॉपिक लिया है, डेट इज़ कॉल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग जीटी रोड कहेंगे। ठीक है, तो जीटी रोड का हमको थोड़ा बहुत ठीक से हमको समझ में नहीं आ रहा था जब चैप्टर में हम लोग देख रहे थे, इसको मैंने इसलिए शॉर्ट नोट में ले लिया है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रोड इन द एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी रोड कौन सी है? ऑफकोर्स हमारी जीटी रोड है। ठीक है, कुछ लोग उसको GTR भी बोलते हैं, सो चॉइस इज योर्स। पॉइंट नंबर 2, दिस रोड वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये पहली बार बनी थी। इट यूज टू कनेक्ट तम्रलिप्ट्री विद तक्षशिला, नाम था अजीब है, एंड तक्षशिला विद सेंट्रल एशिया। सो ये दो जगहों को कनेक्ट करता था। एट द टाइम दिस रोड वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम द गंगा प्लेन्स टू गंधार, फिर उसको बाद में गंधार तक एक्सटेंड किया गया। एक इंडिया का लगभग पूरा मेजर पार्ट ये कवर कर रहा था। द रोड वॉज रीबिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन है? वेल, ये आपका स्टैंडर्ड 7th में आएगा, बट शेरशाह सूरी के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं, ये वो राजा थे जिन्होंने हुमायूं को हराया था। ओके, इंडिया में मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी थी बाबर ने, बाबर के बाद हुमायूं राजा बने, लेकिन हुमायूं को किसने हराया? शेरशाह सूरी ने हराया। ठीक है, तो थोड़े दिन के लिए शेरशाह सूरी को आउट ऑफ फ्रेम करने वाले कौन थे? सॉरी, मुगल डायनेस्टी को साइड में करने वाले कौन थे? शेरशाह सूरी। ओके, एंड शेरशाह सूरी ने फिर समझा कि ट्रेड, किसी भी किंगडम को अगर स्ट्रांग बनना है तो उसकी ट्रेड अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो उन्होंने फिर इस जीटी रोड को और भी ज़्यादा अच्छे से बिल्ड किया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डलाउजी रीबिल्ट द रोड फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर। तो जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, एट ए टाइम जो नेक्स्ट किंग जो डलाउजी थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने भी इस रोड को और अच्छे से डेवलप किया। एंड लास्ट में, एट प्रेजेंट दिस रोड इज नोन एज द नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। दिल्ली से भी आगे भी, जहाँ मेरे मामा का गाँव आता है, अभी भी वो लोग उसको जीटी रोड ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फोर फादर्स भी उसे जीटी रोड ही बोलते थे, है ना। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, डेट इज इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इन गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में अशोक एज ए किंग उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया, डेट वी आर गोइंग टू सपोज हाईलाइट इन दिस क्वेश्चन। सो हियर इज योर फर्स्ट पॉइंट, द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर लोकेटेड ऑन द वे ऑफ दामोदर कुंड नियर द गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ ऑफ गुजरात। गुजरात में आपको मिलेंगे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है गिरनार माउंटेन, और वहाँ पर आपको मिलेगा दामोदर कुंड, वहाँ पर किंग अशोक ने इंस्क्रिप्शन करवाए हुआ है। दे आर रिटन इन प्रकृत लैंग्वेज। फ्रेंड्स, दे वेरनी अभी भी आप गिरनार में जाओगे तो प्रकृत लैंग्वेज में आपको वो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं जब भी जाऊँगा ना तो कन्फर्म ये जगह पर जाके सेल्फी ज़रूर खींचूँगा। ठीक है, सेल्फी खींचना तो हमारा क्या बोलते हैं, बर्थ राइट है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, अशोका इंस्क्रिप्शन कंटेन द आर्टिकल्स ऑफ 3 अदर किंग्स। तो यहाँ पे तीन और भी राजाओं के बारे में कुछ लिखा गया है। पॉइंट नंबर 4, इट कंटेन द आर्टिकल ऑफ महासत्रप रुद्र दमन एंड द ऑफ सत्रप डायनेस्टी। यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल इश्यूज लग रहे हैं मुझे, बट आप लोग एग्जाम में लिख देना तो आई विल कंसिडर इट। ओके, एज इट इज अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, सो आई एम मैं उसको अलाउ कर लूँगा। नाउ पॉइंट नंबर 5, द सेकेंड आर्टिकल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुदर्शन लेक। और जो सेकेंड आर्टिकल है वो सुदर्शन लेक के बारे में बताता है।
जो किसने बनाई थी, पुष्य गुप्ता जो गवर्नर थे, द गवर्नर ऑफ द चंद्रगुप्ता। एंड द थर्ड आर्टिकल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैनाल इरीगेशन प्लान बाय द यावा यवनराज द गवर्नर ऑफ अशोका। यवनराज ने यहाँ पर कैनाल सिस्टम बिल्ड की थी टू हेल्प द फार्मर्स। सो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 6। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा और मज़ेदार लगा होगा। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। टिल देन, बाय एवरीवन।